आजाद भारत का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना है कांग्रेस का चीन प्रेम, जिसने हमेशा देश की सुरक्षा को, देश की अखंडता को चोट पहुंचाई। बावजूद इसके राहुल गांधी आज भी विदेशों में जाकर चीन की तारीफ के पुल बांधते हैं, जिससे राहुल गांधी के देश विरोधी संस्कार साफ झलक जाते हैं। सितंबर 2024 में अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपने देश को नीचा दिखाते हुए चीन की भरपूर तारीफ की थी। मार्च 2023 में कैम्ब्रिज यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारत की जगह चीन को शांति दूत बताया था। ब्रिटेन दौरे पर गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की है। राहुल ने कहा कि चीन शांति का पक्षधर है। Okay, their idea is much more about the society being in harmony because they've had massive tremors. इसी तरह सन 2022 में जब भारत के सैनिक गलवान में चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ रहे थे, तब राहुल गांधी झूठ फैला रहे थे कि भारत के सैनिक चीन से पिट रहे हैं। राहुल गांधी का बयान सेना को लेकर, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अरुणाचल में हमारे जवान पिट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। 2017 में भी चीन से सीमा विवाद के दौरान राहुल गांधी चीनी राजदूत से मिलकर दोस्ती निभाने में मशगूल थे। ऐसे बीच जब राहुल गांधी की मुलाकात की खबर सामने आई तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसका खंडन कर दिया, लेकिन कुछ देर के बाद चीनी दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर राहुल गांधी की चीन के राजदूत के साथ मीटिंग की बात लिख दी। इतना ही नहीं, 2008 में कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए बिना किसी संवैधानिक पद के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन के साथ समझौता करते राहुल गांधी को पूरे देश ने देखा था। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, उनका परिवार भी चीन का बहुत बड़ा शुभचिंतक रहा है। भारत के अक्साई चीन की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन छिन जाने पर नेहरू ने कहा था कि बंजर जमीन का भारत क्या करेगा। नेहरू ने सुरक्षा परिषद में भारत की जगह चीन को स्थायी सदस्यता देने की पैरवी की, और जब चीन तिब्बत की जमीन हड़प रहा था तब नेहरू चीनी सैनिकों को चावल भेज रहे थे। नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक चीन से याराना निभाने की कांग्रेसी आदत बहुत पुरानी है। कांग्रेस के ऐसे देश विरोधी रवैये और चीन से प्रेम को पूरा देश देख भी रहा है और समझ भी रहा है।